हेलो फ्रेंड्स, रामायण के जैसा ही सोनी टीवी पे एक नया शो आया है जिसका नाम है श्रीमद् रामायण, जिसमें भगवान राम के अयोध्या लौटने की कहानी दिखाई जा रही है और भगवान राम के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होती थी वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही है और बहुत भव्य तरीके से दिखाया जा रहा है। इसका VFX लेवल बाहुबली फिल्म के लेवल की है। मैं तो कहता हूँ बाहुबली के लेवल से भी ज़्यादा है इसका VFX और प्रोडक्शन लेवल। आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो लगता है जैसे रामायण और महाभारत चला था वैसे ही ये शो चलने वाला है। तो ये शो श्रीमद् रामायण 1 जनवरी 2024 से ही शुरू हो गया था सोनी टीवी चैनल पे। तो इसे आप सिर्फ सोनी टीवी चैनल पे ही देख सकते हैं, जियो टीवी या आप नॉर्मल टीवी जो लगाते हैं घर में उसके मदद से। लेकिन ये आपको सोनी लिव ऐप पे नहीं मिलेगा जैसे कि बाकी सोनी टीवी और सब टीवी के शो सोनी लिव पे आ जाते हैं सोनी लिव ऐप पे। लेकिन ये शो आपको सिर्फ सोनी टीवी चैनल पे ही मिलेगा और ये 9:30 बजे रात को दिखाया जाता है मंडे टू फ्राइडे। तो अगर आप देखना चाहते हैं मोबाइल पे तो जियो टीवी की मदद से देख सकते हैं। तो इसमें राम जी का जो रोल कर रहे हैं उनका नाम है सुजय रेऊ और सीता जी का जो रोल कर रही है उनका नाम है प्राची बंसल और लक्ष्मण जी का रोल बसंत भट्ट कर रहे हैं, जो जिन्हें आप राधा कृष्णा शो में भी देखे होंगे जहां वो, और रावण का रोल इसमें नितिन धीर कर रहे हैं जो कि लंका के राजा, आपको तो पता ही होगा, और हनुमान जी का रोल निर्भय वाधवा कर रहे हैं। तो बाकी किरदार के आप असली नाम जान सकते हैं कि किस एक्टर का क्या नाम है असली नाम जो कि शो में है। तो मैं आपको विकिपीडिया का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां पे आप जाके इस शो के पूरे स्टार कास्ट और बाकी सपोर्टिंग कास्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। ये शो सिद्धार्थ कुमार तिवारी के द्वारा बनाया गया है। सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी से पहले पोरस जैसे शो बना चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य और बहुत सारे ऐसे ही हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल शो वो बनाते हैं। उनका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार आया है श्रीमद् रामायण जिसका नाम है, तो ये आपको पसंद आएगा जैसे कि आपको पोरस और बाकी शो उनके पसंद आए थे। तो ये श्रीमद् रामायण बहुत ज़्यादा चलने वाला है। इस शो के जो मेन कास्ट हैं सुजय रेऊ जो कि राम जी का रोल कर रहे हैं और प्राची बंसल, वो दोनों नए ही एक्टर हैं, मतलब इससे पहले वो ज़्यादा बड़ा शो नहीं किए हैं। तो नया चेहरा है तो आपको पसंद आएगा।